नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। बात बोलेगी पर आपका स्वागत। दोस्तों, उत्तराखंड के जंगल अब भी धधक रहे हैं। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से जंगलों की कीमत आंकने में की जाने वाली सरकारी धोखाधड़ी की बात करेंगे और इसके अलावा आग लगने के खूबसूरत आंकड़ों पर भी नजर डालेंगे। आग के आंकड़े खूबसूरत कैसे हो सकते हैं, इस बारे में मैं आगे बात करूंगा। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपसे अनुरोध है कि मेरा ये चैनल लगभग नया है, मैं लगातार इसमें वीडियो डाल रहा हूं और आप नीचे देखेंगे कि अभी तक 700 के करीब सब्सक्राइबर हुए हैं। जब तक दोस्तों 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो जाते, ये मेरी मेहनत किसी काम नहीं आने वाली है। इसलिए आपसे प्लीज अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट और लाइक भी अवश्य करें। अब जंगलों की आग। वन विभाग के खूबसूरत आंकड़ों पर आने से पहले हम एक बार देखते हैं कि वन विभाग जंगलों में होने वाले नुकसान की कीमत कितनी कम आंकता है और वास्तव में इसकी कीमत कितनी ज्यादा होती है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए आप SDC फाउंडेशन के अनूप नौटियाल का ये वीडियो देखें और आपको अच्छी तरह से ये सरकारी धोखाधड़ी समझ में आ जाए। जब हमारे जंगल जलते हैं तो हमारे प्रदेश का वन विभाग हमें यह जानकारी और सूचना देता है कि कितने हेक्टेयर में आग लगी है, लेकिन उसी के साथ में वो जले हुए जंगलों का एक मूल्यांकन या वैल्यूएशन भी करता है। जो कीमत आंकी जाती है जब एक हेक्टेयर जंगल जलता है और एक हेक्टेयर यानी 10,000 स्क्वायर मीटर, और 10,000 स्क्वायर मीटर जो होता है 12,000 गज भी होता है, और सरल भाषा में बोले तो 15 बीघा, यानी 15 बीघा के का बड़ा जंगल जब जलता है तो हमारा वन विभाग उसकी कीमत आंकता है मात्र 2500 से 3000 रुपए। जैविक, उसकी जैव विविधता, आबो मिट्टी, पानी, हवा, सैकड़ों की संख्या में पेड़, जीव जंतु, क्या क्या नहीं है उसमें, और कीमत मात्र 2500 से 3000 रुपए। 2018 में ग्रीन अकाउंटिंग के ऊपर उत्तराखंड सरकार ने एक रिपोर्ट कमीशन करी थी जिसे भोपाल के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ने तैयार किया था और वो एक 248 पन्ने की बहुत विस्तृत रिपोर्ट है। लेकिन उस रिपोर्ट में हमें बताया गया कि हमारे प्रदेश से जो इको सर्विसेज हैं उसका वैल्यूएशन प्रति वर्ष 95,112 करोड़ है। यहां पर मैं आपके साथ में यह भी साझा करना चाहूंगा जानकारी कि उत्तराखंड सरकार जब भी ग्रीन बोनस की मांग केंद्र सरकार के सामने रखती है तो उसका सबसे पुख्ता डॉक्यूमेंट यही रिपोर्ट होती है। इस रिपोर्ट में हमें यह भी बताया गया है कि जब उसका कन्वर्जन किया गया है तो प्रति हेक्टेयर 3,88,000 रुपया एक किस्म से उसका जो एक एनुअल फ्लो वैल्यू उन्होंने शब्द का प्रयोग किया है, तो कहां 2500, 3000 और कहां 3,88,000। और अब बात करते हैं आग की घटनाओं की। दोस्तों, इन आंकड़ों को मैं खूबसूरत इसलिए कह रहा हूं कि वास्तव में जंगलों में कितनी आग लग रही है ये जानने का सिस्टम पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आग लगने के जो डरावने आंकड़े हैं उसे वन विभाग बड़े खूबसूरत तरीके से पेश कर रहा है। उदाहरण के लिए देखिए, BBC की एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अक्टूबर 2020 से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक उत्तराखंड के जंगलों में आग की 667 घटनाएं हुई है। जंगलों की आग का इससे खूबसूरत आंकड़ा और कोई हो ही नहीं सकता। सच्चाई यह है कि 5 अप्रैल 2021 की दोपहर तक वन विभाग की वेबसाइट पर फॉरेस्ट फायर वाला पेज खुला हुआ था और तब तक जंगलों में आग लगने की 1100 से ज्यादा घटनाएं हो चुकी थी। इससे पहले 4 अप्रैल को सुबह 988 आग की घटनाएं वेबसाइट पर दर्ज थी और दोपहर 2 बजे तक इन घटनाओं की संख्या हो गई थी 1026, यानी कि सुबह से दोपहर तक 38 और घटनाएं हो गई थी, यानी कि हर घंटे 6 नई आग लग रही थी। 4 अप्रैल को दोपहर बाद ये वेबसाइट अपडेट करने का काम धीमा कर दिया गया और अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अच्छी बात यह है कि अब वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टर आग बुझाने के काम में जुट गए हैं। एक हेलीकॉप्टर टिहरी झील से पानी ले रहा है और दूसरा भीमताल से। हेलीकॉप्टर के अलावा राज्य के वन मंत्री हरक सिंह रावत भी एक वीडियो में आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, यदि समय रहते हुए आपने कदम उठा लिए होते तो आज ये नौटंकी करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, जल्दी ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नई सूचनाओं के साथ। तब तक इस वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा।